हेलो गाइस कैसे हो आप आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो जी मैं हूँ सदफ और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज हम लोग बना रहे हैं काला चना चाट तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने चने ले लिए हैं चने को मैंने पूरी रात के लिए ओवरनाइट भी भिगो दिया था और सुबह उठ के इसको मैंने उबाल लिया था और ये पंद्रह मिनट में अच्छी तरीके से कुक हो गए थे और इसके बाद हम लोगों ने आलू ले लिए हैं आलू मैंने धो लिए हैं मीडियम साइज के इनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके और इनकी छिलके उतार के इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था तो इसके बाद हम लोगों ने ली है मीठी चटनी खजूर और इमली की ये मैंने मीठी चटनी ली है तो जी इसके बाद हम लोगों ने ली है ग्रीन चटनी ये हम लोगों ने ग्रीन चटनी रेडी की हुई है पुदीना हरी मिर्च और गार्लिक का एक जवा और धनिया डाल के हम लोगों ने ये चटनी रेडी कर ली थी जी तो इसके बाद हम लोगों ने प्याज ले लिया है मैंने मीडियम साइज का एक प्याज लिया है और इसको काट के अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था जी तो इसके बाद हम लोगों ने ले लिया है हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून हम लोगों ने ले ली है साबित लाल मिर्च जी इसके बाद हम लोगों ने ले लिया है चार मसाला हाफ टी स्पून लिया है इसके बाद ले लिया है हाफ कप फ्रेश कोरिएंडर लिया है इसके बाद एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर ले लिया है और उसको मैंने काट लिया है तो ये सारी चीज़ें हमारे काला चना चार बनाने के काम आएंगी तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले हम लोगों ने एक बोल ले लिया है बोल में हम लोगों ने चने ऐड कर दिए हैं इसके बाद हम लोगों ने आलू डाल दिए हैं तो जी इसके बाद हम लोगों ने डाल देना है टमाटर जो मैंने एक मीडियम साइज की कटिंग की हुई थी तो हम लोगों ने ये ऐड कर देना है इसके अंदर से मैंने बीज निकाल दिए थे तो जी इसके बाद हम लोगों ने एक मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लेना है और ये ऐड कर देना है इसके अंदर जी तो इसके बाद हम लोगों ने चटनी ले लेनी है इमली और जो खजूर की मैंने चटनी रेडी की है मीठी चटनी हम लोगों ने इसका डाल देने हैं टू टेबल स्पून डाल देने हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिएगा आप लोगों वो आप लोगों की अपनी मर्जी है जी तो इसके बाद हम लोगों ने स्पाइसेस ले लेने हैं स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक और हाफ टी स्पून लिया है साबित लाल मिर्च इसके बाद हम लोगों ने डाल देना है हाफ टी स्पून चाट मसाला जी तो इसके बाद हम लोगों ने डाल देना है हाफ कप फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे एंड पे गर्निश के लिए बाकी सारा हम लोग ऐड कर देंगे चाट के अंदर जी तो इसके बाद हम लोगों ने लेनी है ग्रीन चटनी तो हम लोगों ने डाल देनी है ग्रीन चटनी हमने डालने हैं टू टेबल स्पून टू टेबल स्पून डाल के हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है चाट को और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो जी ये खजूर की चटनी और खजूर और इमली की मीठी चटनी और ग्रीन चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं ये दोनों चटनियाँ मेरे चैनल पर मौजूद हैं आप वहां से भी देख सकते हैं तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब हम लोग कर लेते हैं इसको डिश आउट और डिश आउट करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे धनिया जो हम लोगों ने बचा के रखा था गार्निश के लिए हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा डाल देना है खूबसूरती के लिए आप इस चाट को ईद शबे बरात रमदान में बनाएं और आप इसे किसी भी मौका पर बना सकते हैं इस चाट में बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है और ये चाट बहुत ही मजे की रेडी होती है आप अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप इस चाट को बनाएं इनशाला आप लोगों को ये चाट बहुत पसंद आएगी और इस चाट की मुख्तिफी इकसाम है इनशाला हम आप लोगों के लिए वो भी लेकर आएंगे और आप लोगों को बनाना सिखाएंगे और आप लोग मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और आपके लाइक करने से ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है तो ये बहुत ही मज़े की रेडी होती है आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा ओके बाय एंड टेक केयर